इस वीडियो को देखने के बाद बस आप एक ही बात बोलोगे, मजा आया। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एस्ट्रोक 100ZZ का। ये रैकेट मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा इस रैकेट के बारे में। ओ माय गॉड, योनेक्स फैंस के लिए तो ये टूरुला भी है, एकदम कड़क माल है ना। जो योनेक्स के ट्रू फैंस होते हैं वो नया रैकेट लॉन्च होने के बाद ही थोड़ी देर बाद ये कहते हैं। जब ये लॉन्च हुआ था तो 13,500 रुपए का था, लेकिन अब इसका प्राइस 12,000 रुपए के अराउंड मिल जाता है। प्रीमियम रैकेट होने के साथ साथ ये थोड़ा सा महंगा रैकेट भी है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो हम सबसे पहले इस रैकेट की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये रैकेट लोडेड है फीचर्स के साथ, जैसे नैनोमेट्रिक सिस्टम, रोटेशन जनरेटर सिस्टम एंड स्लिम शाफ्ट। अगर इस रैकेट की फ्रेम की बात करें जाए तो इसमें बॉक्स एंड एरो फ्रेम दोनों ही मिल जाते हैं, साथ में सॉलिड फील और साथ में आइसोमेट्रिक शेप और साथ में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से पावर कैप एंड NAMD बूस्ट। जनरल स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फीचर्स वगैरह तो अलग हैं, लेकिन मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ इस रैकेट के बारे में। अगर लुक वाइज बात करें मैं इसको 10 में से 8 रेटिंग देना चाहूंगा, क्योंकि आप देखोगे तो एक साइड इसका ग्लॉसी फिनिश दे रखा है और एक साइड आपको मैट फिनिश देखने को मिलेगा, मतलब दोनों मिक्स दे रखा है। ये रैकेट किसको लेना चाहिए? जिनका गेम स्टाइल थोड़ा अटैकिंग होता है उनको हेड हैवी रैकेट ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि ज़्यादा पावर जनरेट कर पाते हैं अपने स्मैशेज में और अपने स्ट्रोक्स में। इससे पहले मैं ड्यूराजी स्ट्राइक यूज़ करता था, लेकिन उसका मेरे को इतना अच्छा लगा नहीं पंच इसको यूज़ करने के बाद। मैं पहले यही सोचता था उसका पंच बहुत ही अच्छा है, उसके अलावा कोई रैकेट अच्छा नहीं है, लेकिन जब मैं ये ट्राई करा ना उसके बाद मेरे को एहसास हुआ कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं खेल रहा हूँ, कि ये मार्केट का बेस्ट रैकेट है मेरे हिसाब से। बाकी वो आपकी चॉइस, आपको कौन से दूसरे ब्रांड का भी पसंद है या नहीं है, लेकिन मैं तो योनेक्स फैन हूँ। इस रैकेट की मैं एक सबसे खास बात बताता हूँ आपको, जो इसका पंच है ना वो सबसे बेस्ट है। जिस भी रैकेट को आप ले लो इसका पंच सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने सारे रैकेट ट्राई करे लेकिन इसके जैसा पंच नहीं मिला किसी भी रैकेट में। पंच क्या होता है, बेसिकली आप जब शॉट मारते हो ना जो उसकी फील है पूरा एहसास होता है कि भाई हाँ आपने स्मैश मारा, और साउंड भी बहुत अच्छी आती है स्ट्रिंग्स के साथ, अगर आप अच्छी स्ट्रिंग्स लगा रहे हो तो। सर मेरी बात करें तो मैं NANO G99 यूज़ करता हूँ इसमें, और टेंशन रहती है 30-28 LBS। अगर स्ट्रिंग्स की बात करें जाए तो इसमें सारे स्ट्रिंग्स बेस्ट लगती हैं। अगर आप प्रैक्टिस में रिपल्शन पावर भी चाहिए और थोड़ी ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए, NANO G99 को ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको ड्यूरेबिलिटी से कोई मतलब नहीं, आपको बेस्ट पावर स्किल्स और सब कुछ बेस्ट चाहिए, मतलब टॉप नॉच कंट्रोल बेस्ट, ड्यूरेबिलिटी तो बेस्ट नहीं मिलेगी। क्या हुई? कंट्रोल मिलेगा बेस्ट, पल्शन पावर, शॉक एब्जॉर्प्शन और हिटिंग साउंड सारी बेस्ट मिलेगी। तो वो कट है BG66 Ultimax, आप उसे ट्राई करना। BG66 Ultimax इज़ द बेस्ट गटिंग एवर, और मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है इस रैकेट के साथ, क्योंकि जितने भी मैं स्ट्रोक्स मारता हूँ, या तो वो ड्राइव ले लो आप या फिर लिफ्ट ले लो, कोई भी आप शॉट ले लो, तो उसमें आपको परफेक्शन देखने को मिल जाती है थोड़ी बहुत बाकी रैकेटों से, क्योंकि आप जहाँ जितनी पावर लगाते हो उससे थोड़ा सा रिपल्शन पावर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने रिस्ट पावर को ताकि आप इस रैकेट के साथ अच्छे से खेल सको। डिटेल्स बता दिया, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। अब देखते हैं इस रैकेट में कितना है दम, चलते हैं अपने कोर्ट की तरफ। कंट्रोल